हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। गाइस, आज का ब्लॉग कुछ होने वाला है विशेष, और आपको दिखाते पहले रुक कराते हैं पहाड़ों के आज के मौसम से। ये देखिए आप, आकाश में घने बादल, कहीं धूप कहीं छाव, और उमस भरा ये मौसम, लेकिन आंखों को बहुत ही शांति प्रदान करता हुआ ये मौसम, हल्की हल्की पुरवाई चलती हुई। और गाइस, हम आपको ले चलते हैं उस विशेष जगह, बने रहे वीडियो में, क्या है आगे आपको पता चलेगा। ये देखिए गाइस, ये छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने गाड़ी में लिफ्ट मांगी तो हमने इनको लिफ्ट दी। आप लोग कहाँ जाओगे? ये पर जाना है, थोड़ा आगे पे। कहाँ पर? यक्की में। क्या करोगे आप वहाँ? थोड़ा सामान हमारा। सामान? मैंने तो सुना कि आप लोग नहाने जा रहे हो। नहाने ना, वहाँ नहाने के नहीं जा रहे हो? मतलब तो यही पे? हाँ, बस आगे पे। ये जैसे कि आप देख रहे हो, आपदा में ये जो है बारिश से पूरा रोड नीचे आ गया था, तभी एकदम जो है दीवार बन गई है, रोड पास हो गई है। नीचे को मलवा है, बोलते हैं इसको, पहाड़ी भाषा में। लोग सारे जा रहे हैं। ये देखिए आप, पहाड़ों में आजकल कुछ इस प्रकार से खेती बाड़ी का माहौल, सारे लोग जो है प्रोग्राम में दे रहे हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल खेतों में जो है मक्का, सब्जी, पौधा, जानवर, सब चीज़ जो है हो रहा है आजकल। थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। आप परसों सिंचाई में बिके थे? जी जी जी, ठीक 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 ठीक, चलो ठीक। वो वीडियो दिखाना थोड़ा हमें, वो सिंचाई वाला। ठीक है, मैं आपको वो दे दूंगा, लिंक दे दूंगा। अच्छा, मंत्र पढ़ लेते वाले सब लोग। ये देखिए आप लोग, ये हमारे पहाड़ों का जीवन, घास गायों के लिए। ये पानी के नौले आजकल बिल्कुल बहुत बुरी तरह से फट रहे हैं। ये देखो, बहुत पानी आ रहा है आजकल, पानी की कोई कमी नहीं है यहाँ के मंदिर। अरे यार, घर को ये देखिए गाइस, हमारे पहाड़ों में फसल क्या जबरदस्त हुई है। ये जो धान है और ये जो आप देख रहे हैं फूलों वाला, ये तिल है, काला तिल है ये। ये देखो ताई लोग सब जो खेतों में काम कर रहे हैं। ये देखो, घास निकाले इसकी। जी जी जी, बिल्कुल ताई जी, ये निराई कर रहे हैं धानों की, और ये इनका सोल्टा, ये इस पर घास भर के ले जाएंगे गायों के लिए। अच्छा, झंगोरा ले जाएंगे, हो गया ये तो झंगोरा। हाँ, ये देखो झंगोरे की बाल है। हमारे पहाड़ी उसमें आपने गाने भी सुने होंगे बहुत। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये मेल्टा गांव है ऊपर, और मेल्टा गांव से होते हुए मैं पैदल, ये देखिए, खेतों के बीचों से आते हुए देवल में जा रहा हूँ। देवल में आमंत्रित किया हमें, तो वहाँ जा रहे हूँ। ये देखो, खेतों में दिख तो नहीं रहे हैं दूर से, लेकिन देखो ये भाई लोग, सब लोग घास घूस वगैरह करके ये सारे खेतों में देखो। ये देखो आप, ताई लोग जो है सब घास निकाल रहे हैं, खेतों की निराई कर रहे हैं, इसकी निराई जो है हो रही है। जैसा कि आप देख पा रहे, ये देखिए आप, बहुत ही सुंदर दृश्य। ये देखिए आप, ये देखिए गाइस, जैसा कि मैं लगभग पहुंच चुका हूं मेल्टा गांव से होते हुए। ये देखिए बैक साइड मेरी, ऊपर साइड ये मेल्टा गांव है, ये पूरा मेल्टा गांव से होते हुए पैदल मैं पहुंच चुका हूं देवल गांव में। जैसा कि आप सुन पा रहे होंगे ऑडियो में, ये है भोलेनाथ का मंदिर, यहीं पर जो है आज भंडारा है। और यहाँ के लोगों ने मुझे जो इज्जत बख्शी है, बुलाया है, उसके लिए वो पूरा गांव जो है धन्यवाद का पात्र है, थैंक यू। ये देखिए आप, हम पहुँच चुके हैं, मक्की वगैरह हो रही है यहाँ की। ये जो है ऑर्गेनिक, टोटली जो भी है फसल हुई है सब ऑर्गेनिक है। इसमें
रसायन खाद का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। ये है देवल गांव पूरा, ये देखिए आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और यहाँ पर है आज भंडारा, सुनने वाला है बताया। ये मिलते लोग हमारे पहुँच गए। और शुरू हो गया प्रोग्राम? हाँ, अभी हो रहा है, है? आ रहे होंगे और गांव भी होंगे। हाँ, और गांव भी हैं। सर काफी बोल रहे लोग सुनने में, सोशल मीडिया से भी बात। बिल्कुल बिल्कुल। अरे मरे नहीं भेज देते हैं ना यार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो ये वही मकान है जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। यहाँ पर जो है माँ नंदा राज का जो डोला है इसी मकान में आते हैं थोकदार लोग के यहाँ। ये जो पुराना मकान बहुत ही अद्भुत, ये देखिए आप, ये देखिए ये हमारी विरासत है। बहुत कम रह चुके हैं लेकिन फिर भी संभाल के रखा है इन लोगों ने। फूल पकड़ के भगवान गणपति का स्मरण कर लीजिएगा। ओम समकस्य काय नमो समकस्य गदंतस्य अगपिलो गच्छकण्डका लंबोदर से विघटो विघ्नासो विनायका धूम्रगे दुर्गणा रक्षो भालचंद्रो गजानना द्वारसे स्थायी नामानि यापटे शून्यादिवि विद्यारम्भे वाहि चाप्रवेशे दृग्वेथा शंकरावे शंकटे शिवो विद्धते जायते विघ्नवली कुठाराय स्वयं सिंहाधिपति नमो श्रीमन्मूर्ते पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पं कृत्वा फूल पकड़ के भगवान विष्णु जी का ध्यान कर लीजिएगा। शुक्लां वरदरं देवं सजीवनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्येय सर्वे गुरु उपशांतये लावस्ते शाम जयस्ते शाम कृतस्ते शाम पराजया ईशा बिंदु वर्षामो हृदयास्तु धनाधरं ससंग चक्रं सकृत कुंडलं सपीत वस्त्रं सरसुहेतुवीक्षणं शहार वक्ष स्थलपातुहं श्रियं नमामि विष्णु सरिषां चतुर्भुजं भूर्भुवस्वः श्री विष्णवे नमो ध्यानार्थे दिव्यमन्त्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमः करोमि पुष्पं कृत्वा फूल पकड़ के अपने भोले जी का ध्यान कर लीजिएगा। छाड़गम चक्रगरे चापरगम सोलम मुरंडिम शिरम शंखम संजरे करस्य नैरम चरवांग भूषम भृदाम नीलाश्वाधि मास वंशगाम सेवे महाकालिगम यामास्तो चतुदो हरो कमलजो हंतो मरु कैटवम कुलदेवी महावागी कुलादे गदगेदवे प्रसन्ना भवयानम कुलदेवी नमोस्ते उर्वश्वर ध्यानार्थे दिवंद पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कार। लोगों ने भी बनाया है बिल्कुल फूल पकड़ के भगवान बड़ुनाथ भैरव जी का ध्यान कर लीजिएगा। फूल पकड़ के भगवान नरसिंह स्वामी का ध्यान कर लीजिएगा। जय नरसिंह द्रोणार्ग नेत्रम चिरावल काफी उम्र होने के कारण जो उनको सुनाई अनादि मध्य अंतम प्राणम परात्परेशम जगदान धाम आदित्य श्री नरसिंह स्वामी ध्यानार्थे दिव्य बंधु पुष्पाणि समर्पया समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पं कृत्वा फूल पकड़ के भगवान बद्री विशाल जी का ध्यान कर लीजिएगा।
वंदे श्री नारसिंहं गरुडसर्वने क्रोड केदार गंगा मार्गंडया नीति सौद्रोण भगवता पादुर्गान गणेशान घंटाकर्णोद्भव श्री नरनखभद्री नाथ नारायणख्या ब्रह्माप्रह्लाद योगेश्वरो भक्तनमल श्री नारसिंहासवक्ता भूर्वस्वाध्या श्री बद्रीनारायण नमो ध्यानार्थे दिव्यमंत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। उर्वस्वा पुष्पम कृत्वा फूल पकड़ के भगवान केदारेश्वर महादेव का ध्यान कर लीजिएगा। जय नित्यम महेशम ऋतिगिरिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पृष्ठगिरिवराभीतिहस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ताश्रुमगणैर्जागृतकीर्तिम वशानम विश्वाद्यं विश्ववंदं निखिलवैरम पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भूर्भुवस्वः श्री समस्ताश्वर केदारेश्वर महादेवाय नमो। ध्यानार्थे दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि। भूर्भुवस्वः पुष्पं कृत्वा फूलपकड़ के भगवान रामचंद्र जी का ध्यान कर लीजिएगा। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे गुजनात्मजां प्रोतो मारुतस्या तं वंदे रघुनंदनम। भूर्भुवस्वः रामचंद्राय नमो रामभद्राय नमो। ध्यानार्थे दिव्यमंत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि। फूल पकड़ के भगवान हनुमान जी का ध्यान कर लीजिएगा। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। सजीव पुरंदराभ्याम नमः। ईशान देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। क्षेत्रपाल देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मलयाल देवताभ्यो नमः। लाटू देवताभ्यो नमः। देवलेश्वर महादेवाय नमः। भूर्भुवस्व पितृदेवाय नमः। भूर्भुवस्व कर्मसाक्षिदेवाय नमः। भूर्भुवस्व भद्रजन कमलेभ्यो नमः। भूर्भुवस्व सिद्धिविनायकाय नमः। भगवान कमलयन त्रिभुवन गो पावन करे करिष्यमानहं कर्मकर्तानां च मध्ये मलयालोक मध्ये मलयाल देवता चरणारविन्दे देवलेश्वर महादेव प्रांगण संगीतो नंदा राधराजेश्वरेषु पूर्ण चित्रांतर्गते कर्मकर्तां देवग्रामास्तभ्यां देवलेश्वर महादेव प्रांगण सिंधु नाना गोत्रोत्पन्नस्य नाना राशिनां उत्पन्नस्य समस्त ग्रामवासिनां समस्त क्षेत्रवासिनां मेषराशि आरम्भे मीनराशि पर्यन्तं नाना गोत्रोत्पन्नस्य नाना राशिनां धनराशिनां उत्पन्न करिष्यमानं कर्मकर्तानां च मध्ये अद्य दिवसे अस्माकं ग्रामे देवलेश्वर महादेव प्रांगण से देवलेश्वर महादेव प्रसन्न करणार्थे सनातन धर्म प्रतिपादकानां च अद्य सही सामसा भोजनम पूर्वकम सूर्य अर्घदान शावाग्रे संप्रोक्षं विधाय भगवान सूर्य नारायण का ध्यान कर लीजिएगा। ओम महादेव सर्वत मंडल मध्यवर्ती नारायण सर्वितम केरवानुकुल कुंडलांकिते हरि हिरण्यगर्भ संगतकरम भूर्भुवस्व भुवन भास्कर देवाय नमो। ध्यानार्थे दिव्यमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्तु। भूर्भुवस्व कलिंगदेशोत्तम कासवगोत्र श्रुतवर्णम भगवन् श्रीयै आगच्छतु मे पादौ पादं समर्पयामि हस्तोर्गमुखे आसनेन समर्पयामि नमस्करोमि। ओम महासूर्य सहस्रासो क्षेत्रासो इंद्रपदे हनुमानयामवाक्वाग्रहणार्गम दिवाकरान मूसु सूर्याय नमो सुवाणवे नमो सुवैस्वान्नजातवैसे मुभय तर्गम प्रतिगतम देवाय देवाय नमोस्ते भूर्भुवस्व भूर्भुवास्का देव अर्घम दरेण समर्पयामि ओम मे नमो पृथ्वी नमो ध्यानार्थे दिवंदवरात्नां समर्पयामि नमस्करोमि। शंख भोजनम कुर्यात् शंखालो चंद्रदेवतम कुक्षो वरुण देवता प्रसेव प्रजापति शिवहंगे गंगा सरस्वती त्रिलोके यानि तीर्थानि वासुदेवस्याज्ञा शंखे तिष्ठन् विप्रेदो तस्मात् शंखा प्रपूजने पूर्वस्व पाजन्याय विद्महे पावनाय धीमहि तन्नो शंख प्रचोदया आगमार्थं देवानां गमनार्थ रक्षसां घंटा भोजं करोम्यहं सर्वकाम हर्षिते। पूर्वस्व चंद्रमा मनसो जातः दक्षो सूर्यो जायतं श्रोत्रान् द्वायश प्राणश मुखा दग्निः रजायत। पूर्वस्व पुनः अर्घं संस्थाप्य अर्घान्ते आत्मजनेन समर्पयामि नमस्कुरोमि। गन्धा सुतः पुत्र पुष्पाणि समर्पयामि नमस्कुरोमि। शृणोर्दृष्टाभुहन्तु वेदे शङ्गोर्वे सर्वन्द्रा अंकुश मुद्रा तीर्थावनम कुर्यातो नमामि गंगे स्तव पाद मंगलम शुराश्रय वंदिति रूपां भुक्तिम च मुक्ते ददासेत्यं भावानुसारेण सदा नराम। भूर्भुवस्व गंगा देव्ये नमो तीर्थराग पराग्य नमो। ध्यानार्थे दिव्य मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्करोमि।
सूर्य दक्षिणायने माषोत्तमे कर्कार्के मासे शुक्लपक्षे अद्य दिवसे चतुर्दश्यावदव्यापन्न्यहं शुभ पूर्णवतो सूर्यवासान्तर्गते शुभा शुभ नक्षत्रे शुभा शुभ योगे शुभकरणान्तर्गते देवलेश्वर महादेव प्रांगण देवल ग्रामस्तभ्य नाम जपते नाना गोदृपन्य कर्म कर्ता नाम जपते भारद्वाज गोदृपन्य कर्क राशि हरेन्द्र सिंह सपत्ने गो हम कर्क राशि नाम चे बेजमान हर्ष कुटुंब हर्ष परिवार सर्वे बांधु बांधवा मेषादि मीन कर्म कर्ता नाम च मध्ये ए लतश गोदृपन्य सिंह राशि मोहन सिंह वरुणाजमान सपत्ने गो हम कुंभ राशि नाम चे बेजमान हर्ष कुटुंब हर्ष परिवार दीर्घ मायुर्भवजमान कर्म कर्ता नाम भारद्वाज गोदृपन्य सिंह राशि मान सिंह नाम ब्रह्मजमान सपत्नी को हम मिथुन राशि नाम च दिव्यजमान ज्येष्ठ बालक कनिष्ठ बालक दीर्घमायुर्भवजमान कर्मकर्ता नाम च मध्ये भारद्वाज गोत्रपन्न वृख राशि बच्चे सिंह वरुण बजराम वरुणजमान शकुटुंब शपरार मेघादि प्रजमान समस्त ग्रामवासी नाम च मध्ये नाना गोत्रपन्न नाना राशि नाम चुत्पन्न मेष राशि आरंभे मीन राशि पर्यतम श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्त्यर्थे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्तार्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाशा सकल मनीषिति कामना सिद्ध्यर्थे लोके वाम शवहायाम राजवाई सर्वत्र यस्य विजया लाभ आदि प्राप्त्यर्थे जन्मजासे सगा साचे केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थ शुभ फल प्राप्त्यर्थे पुत्र पौत्र आदि संतते अभिच्छिन्न विद्यार्थम करिष्यमाणं कर्मकर्तानां तु मध्ये अद्य दिवसे अस्माकं ग्रामे देवलेश्वर महादेव प्रांगण सन्निधो श्री श्यामसदाशिवाय पूजन पूर्वांगत्वेन सनातन धर्म प्रतिपादकानां च धर्म धर्म मूल आधार प्रतिपादकानां च देवलेश्वर महादेव प्रसन्न करणार्थेन धन्य कल्याण हेतवे श्री श्यामस पूजन पूर्वं गौरादि नवग्रह षोडश मातरम् वरुण कलश पूजन नागाननाय सृजगिरि भूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भूर्भुवः स्वः गौरी गणपते नमो ध्यानार्थे दिव्य मंत्र प्रार्थनां समर्पयामि नमस्कारोमि निराधनं कृत्वा भूर्भुवः स्वः ओम महादेन्द्र महामरतो जात हृदय सौः शूर सहा शोर्जो जाता श्रोत्रान वाच प्राणशमखाद भक्ति पक्षा देव हिमात्मे हिमा निराट घोरा देवज्योतिर्नमोस्तुते भूर्भुवस्व श्री गौरी गणपते नमः कन्दकर्पूरनिराजनं समर्पयामि नमस्कुरुमि भूर्भुवस्व सर्वप्रदार्थेन पुष्पं गृहीत्वा फूल पकड़ के प्रार्थना कर लीजिए गणेश जी से ओम जगदेनः जगवजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासं सेहनागं महिमानः प्रचंद पूर्वे शाधाः संत्रियाः भूर्भुवस्व गौरी गणपते नमो ध्यानार्थे प्रार्थितो दिव्यमन्त्र प्रार्थनां समर्पयामि नमस्कुरुमि भूर्भुवस्व पुष्पं गृहीत्वा फूल पकड़ के गौरादि षोडश मातृका का ध्यान कर लीजिएगा गौरी बुधवासी मेधा सावित्री पूजाज देवसेना सुहासुदा मात्रो लोकमात्रा दृष्टिपुष्टि दुष्टिरात्मा कुलदेवता गणेशानाधिकाहुता वृद्धोपोदा षोडशा भूर्भुवस्वगुरादि षोडश मातृका ब्रह्मादिव्यम श्रियादिव्य नमो ध्यानार्थे दिवंतरात्म समर्पयामि नमस्करोमि भूर्भुवस्व पुष्पं गृहीत्वा ओं महरत्रोपचारार्थ आवाहनं कुर्यात् भूर्भुवस्व आवाह्याय पूजार्थं रक्षार्थं भवतु यागच्छं पूजायागच्छ मे रक्ष आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि नमस्करोमि भूर्भुवस्व द्रोपदार्थे पार्थिव पादं समर्पयामि हस्योवर्गम भूर्भुवस्वे नः ओम महाभाव हस्ते द्वितीयात दक्षिण हस्ते आचार्य इधर नगर में छोटे रहने आगे को ओम महा ओम गणपति नमः ओम गौरी नमः ओम पद्माय नमः ओम सजी नमः ओम मेधाय नमः सावित्री नमः ओम विजयाय नमः ओम जयाय नमः ओम देवसेनाय नमः ओम सुधाय नमः ओम स्वाहाय नमः ओम मातृभ्यो नमः ओम लोकमातृभ्ये नमः ओम धृते नमः ओम पुष्टये नमः ओम तुष्टये नमः आत्मनाम कुलदेवाय नमः अपनी कुलदेविका स्मरण करते रहिएगा ओम महेन्द्रे नमः ओम माहेश्वरे नमः ओम ब्राह्मणे नमः कौमारे नमः
वैष्णवे नमः बाराह्ये नमः चामुंडाय नमः गणनाथ रुद्राय नमः श्रीये नमः लक्ष्मी नमः नृपे नमः मेधाय नमः स्वाहाय नमः प्रज्ञाय नमः सरस्वतीदेव्ये नमो नमः भूर्भुवस्वासिन कुलदेव्ये नमो नमः श्रीमद्लक्ष्मीनालिकादेव्ये नमो नमः रत्नराधराजेश्वरीदेव्ये नमो नमः शुभदासे धूपमाग्रजं तत्सच्च दीपं दर्शयामि प्रार्थनां कुर्यात् पूर्वमगणे षोडशमातृकादेवीसे प्रार्थना करिष्येगा ब्रह्माणि कमलेन्द्र शोभना माहेश्वरी लीलया कौमारी पुनर्वनासन करी चक्रायता वैष्णवी बाराही घनघोर घर गर्भवती चैन्द्री जमद्रायता चामुंडा कथा रुद्र शैतां रक्षं कुरु मातरं भूर्भुवस्वः गौरादि षोडश मातृके नमो ब्रह्मादित्ये नमः श्रियादित्ये नमो ध्यानार्थे दिव्य मंत्र प्रार्थना समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पं कृत्वा फूल पकड़े भगवान वरुण कलश का ध्यान कर लीजिएगा कलशस्या मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासित ओम नमः शिवाय गणेशाय गणेशाय नमो नमस्ते स्वर्ण प्रभाय सुसुविधाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय दशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते भूर्भुवस्वः दिव्यमन्त्रप्रार्थनां समर्पयामि देवता सूर्यादि नवग्रहादि देवा आवाहनं पूजनं कृपिनियोगः भूर्भुवस्वः ओम महाभामहते जातो दक्षिणहस्त्याचार्य भूर्भुवस्वः सूर्याय नमः सूर्य महाभैस्तावय भूयानो भूर्भुवस्वः गन्धर्वसे नमः ओम भूर्भुवस्वः भौमाय नमः भूर्भुवस्वः बुद्धाय नमः भूर्भुवस्वः बृहस्पते नमः भूर्भुवस्वः शुक्राय नमः भूर्भुवस्वः शनेश्वराय नमः भूर्भुवस्वः राहुवे नमः भूर्भुवस्वः केतुवे नमः भूर्भुवस्वः प्रतिष्ठाय नमः भूर्भुवस्वः ईश्वराय नमः भूर्भुवस्वः अधिदेवताय नमः भूर्भुवस्वः अन्यप्रतिदेवताय नमः भूर्भुवस्वः पञ्चलोकादेवनायकाय नमः भूर्भुवस्वः वायुवे नमः भूर्भुवस्वः दुर्गादेव्ये नमः भूर्भुवस्वः आकाशाय नमः भूर्भुवस्वः स्वित्याय नमः। गाइस ये देखिए, ये है भंडारे का पूरा, सारे लोग नीचे बैठ करके प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ये देखो, ये माता लोग जो है बिल्कुल ये बना रहे हैं खाना वगैरह। यहाँ के महिला मंगल दल वाले लगे हुए, कितनों को खिला दिया कोई पता नहीं, लेकिन लोग खाए जा रहे हैं और आ ही जा रहे भक्त लोग, उनको खिलाए जा रहे हैं। देखिए, हाय हाय, ये देखो लोग बहुत आराम से प्रेम से हमारी जो मातृशक्ति है, माताएं बहनें छोटे बच्चे और सर लोग माम लोग जो है पूरा भोजन। जी जी, देखो कितना शुद्धता के से खिलाया जा रहा है, बिल्कुल पाँव में जूते नहीं, चप्पल नहीं, ना खाने वाले ना खिलाने वालों के। ये देखो इधर भी, हमारे पहाड़ों में होली बोलते हैं, एक इधर को एक इधर को दो। और ये देखो, ये भी बैठे हैं सारे माताएं लोग, पुरुष लोगों ने लगभग खा लिया है, तो ये अब इनके लिए जो प्रसाद आएगा तो प्रसाद लेंगे ये लोग। ये देखिए गाइस, बहुत दो, एक आगनी है एक वो है, मतलब लंबा, बहुत लंबा पुराने हमारे पुरानी संस्कृति दरबार। ये देखिए आप, जैसे कि दरवाजे हो गए, ये आप मिलते कहाँ, आप लोग रहते ही नहीं इनमें, सारे पक्की छत वाले हो, इसमें पठाल होते थे पहले, अब मेरे ख्याल से चादर डाल दिए इन लोगों ने। ये आज का जो प्रसादा है, पूरी छोले रायता। ठीक है गाइस, अब हम भी खा के आपको दिखाते हैं कि कैसा वो है।
चलो माऊ मई को भी खिला दू, मैं भी खा लेता, यही पे खा ले। सूजी वो छोलो अब ये देखिए गाइस, पूरी छोले, अब इसका आनंद लेके दिखाता हूँ कैसा टेस्ट है। ये छोटू क्या बोलो, क्या बोलो, बहुत टेस्टी है, टेस्टी है, बहुत टेस्ट। हाँ यार पसीना, मैं तो बच्चा हूं ना तब आ रहा, तू तो बड़ा है मेरे से बड़ा। ले छोटे यार, सिम बड़ा हो गया, मोबाइल छोटा हो गया, अब क्या करें, बड़ा कितने हो गया। ये देखिए गाइस, बहुत पुराना मकान है ये, लगभग मेरे ख्याल से 100 साल पुराना मकान है ये, अब लगभग टूटने फूटने लगे, यहाँ के लोग सब निकल गए, अब लोग सब पक्के मकानों में रह रहे हैं। देखो ये हमारी माताएं बहनें, मातृशक्ति है, ये मेरे को मिले तो इकट्ठा करके इनकी जो है पोज ले रहा हूँ, वीडियो ले रहा हूँ, आप भी देखो कि जहाँ से भी हो। ये देखिए हमारे पुराने मकानों की ऐसे हुआ करते थे, खोली बोलते थे पहाड़ी भाषा में, जो ये साइड का दरवाजे उसको बनाने में कई महीने लग जाते थे। तो ये देखिए आप, ये हमारे मतलब ध्यानी बोलते, ध्यानी मतलब बेटी बहू है, जो चौंडा, अच्छा चौंडा से आए आप, अच्छा नीचे है चौंडा ना, ये लोग चौंडा से आए हैं तो इस गांव की ध्यानी बेटी हुई, तो आए आ कोई मायके से आए होंगी, कोई ससुराल से आए, कोई कहीं से आए होंगे, कोई दिल्ली, कोई बॉम्बे, कोई देहरादून वाले भी होंगे, पक्का होंगे, कहाँ वाले फिर बताओ, बताओ बोलो बोलो, कैसी बात कर रहे हो आप, देखिए हमारे बोलो इसमें ऐसे ऐसे मकान आपको हजारों बार मिलेंगे। देखो ये टूट गया बिल्कुल अंदर है, ये हमारे बहुत बिल्कुल ये कहाँ मिलेंगे अब, यहाँ बन भी नहीं पाएंगे ऐसे लोग, तो है भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको हाँ हाँ सही बोल लो आप,